मुंबई में जानलेवा खड्डों की वजह से मुंबईकर बेहद परेशान है। इसको लेकर मुंबई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ पदाधिकारी आज खड्डों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किए। यह पाठ इसलिए किए क्योंकि न तो बीएमसी खड्डे भरने आ रही है, नहीं एमएमआरडीए अधिकारी। ऐसे में अब मुंबईकरों की जान माल की रक्षा सिर्फ संकट मोचक हनुमान ही कर सकते हैं। यह तस्वीरें देखिए मुंबई के कुरार की है, जहां पर खड्डे बिल्कुल जानलेवा दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इन खड्डों में अब तक कई लोग गिर चुके हैं और कई लोगों का फ्रैक्चर भी हो चुका है, लेकिन बीएमसी है कि सुनती नहीं। लिहाजा आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ पदाधिकारियों ने खड्डों के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बीएमसी अधिकारियों की पोल खोलकर रख दी। कबो चरित्र अनुसार धरी सिंहास दिखावा बिकट रूप धरी लंक जवावा विमान रूप धरी बसुर सहारी राम के काम काज समारे। मुंबई में महज एक हफ्ते की बारिश की वजह से अब तक 3 से 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि यह मौत खड्डों में गिरने की वजह से हुई है और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि मुंबई में पूरी तरह से जनसैलाब जैसी स्थिति बनी हुई है। फिलहाल मुंबई महानगर पालिका की लापरवाही के चलते यहाँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उनका कहना है कि हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुंबई महानगर पालिका और एमएमआरडीए का अधिकारी खड्डा बुझाने में नाकामयाब है, लिहाजा अब हनुमान जी ही इन खड्डों से मुंबई करों की रक्षा करेंगे। फिलहाल इन्हीं लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ है। तो तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लगातार मनसे के कार्यकर्ता यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और उनकी यह मांग है कि हनुमान जी जो है खड्डों से लोगों की जान बचाएं, लिहाजा हाथ में अगरबत्ती और हाथ में हनुमान चालीसा। लगातार यह मांग कर रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका में लगातार जो खड्डे बढ़ रहे हैं उसको बुझाने का काम महानगर पालिका करने में फेल हो रही है, इसी वजह से मनसे कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। मैडम बताइए क्या वजह है और कितने दिनों से इस खड्डों को लेकर आप लोग परेशान? हम ये खड्डा तो 4 मई को हुआ था, 1 महीने पहले बीएमसी और एमएमआरडीए दोनों ने मिल के ये खड्डे बनाए थे, बट उनका काम एकदम बेजवाबदार था। उन्होंने काम बेजवाबदार करने के कारण दूसरा खड्डा तैयार हो गया है। हम यहाँ पे कुछ 10 दिनों से ये खड्डे के पीछे है। हमें सिर्फ कुरार वासियों की सुरक्षा के लिए हम हैं कि कॉन्ट्रैक्टर या बीएमसी हमारा घर नहीं बना रहे। ये कुरार वासियों का मेन जंक्शन है जहाँ से स्कूल बस, बीएसटी बस, ऑटो रिक्शा सभी यहीं से जाएंगी और दूसरा कोई वे ही नहीं है लोगों को जाने के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमारी पूरी टीम यहाँ पे खड़े हैं 10 दिनों से। कॉन्ट्रैक्टर से एक ही बात कह रहे हैं कि बाबा जो तू रास्ता बना रहा है वो पूरी तरह से बना के दे, क्योंकि 1 महीने पहले जो उन्होंने रास्ता बनाया वही 1 महीने बाद दूसरी जगह एक दूसरा खड्डा तैयार हुआ। अभी यहाँ पे उन्होंने जो काम किया है वो भी कल बारिश के कारण से फिर से थोड़ा सा खड्डा दूसरा हो गया, आगे आप देखोगे तो तीसरा खड्डा रेडी है। तो ऐसा है, ये लॉ एंड ऑर्डर की कहानी है। अगर कुछ होता है पूरा रहीवासियों को तो इसके जिम्मेदार सिर्फ बीएमसी अधिकारी और हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पीछे की मंशा क्या हुआ बताइए? हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ रहे हम लोग क्यों हनुमान कैसा है कि हमने अभी कॉन्ट्रैक्टदार एमएमआरडी और बीएमसी से तो हाथ जोड़ के विनती कर ली कि बाबा ये हमारी सुरक्षा का प्रश्न है, आप जो काम कर रहे हो हमें पसंद नहीं है,
बट फिर भी वो उनका कुछ कहना नहीं है, वो हमें सिर्फ रोज आ रहे और झूठे आश्वासन दे रहे। तो हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे कि हनुमान जी अब हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि अब दूसरा तो कोई रक्षा करने वाला बचा ही नहीं है। हनुमान जी को रक्षक रोचन कहते हैं, इसके लिए हम हनुमान चालीसा पढ़ के कुरारवासियों के सुरक्षा के लिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से कुरार पुलिस स्टेशन के इर्द के जो तमाम जो खड्डे हैं उसको लेकर देर रात भी यहाँ धरना आंदोलन किया गया था। हालांकि यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने आनन फानन में थोड़ी सी जरूर काम किया, लेकिन वो जो काम किया है वो और जानलेवा दिख रहा है। इसके लिए लगातार मनसे कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आज जो मेन जो रास्ता है बाबा साहब अम्बेडकर तालाब के बाजू में ही जो रोड है, वो रोड यहाँ से अप्पापाड़ा लेके कांदिवली लेके पूरा ये मेन रोड है, मेन हब है। और वही रोड जब ख़त्म होता है तो फिर आदमी जाएगा कहाँ पे? और इसमें सबसे बड़ी बात हो, एक महीने पहले ही रोड बनाया था और एक महीना भी ये रोड हुआ नहीं, और उसके बावजूद उसमें 6-6 फीट आदमी अंदर धसा हुआ मिला। मैं खुद 6-7 फीट अंदर घुसा था। मतलब सोचो इतना भ्रष्टाचार होता है। इनका बिल तो पास हो गया है, परंतु इसका जो जांच और पड़ताल होना चाहिए था, ऑडिट होना चाहिए था, ऑडिट होता नहीं है। और यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा ये वार्ड ऑफिसर, उनकी जिम्मेदारी है ये सब रोड अच्छा से। मी महाराष्ट्र नैनोन वाहतूक सेना मंगेश कदम उपचिटनीस दिंडोशी विधानसभा। आज आम्हाला इथे उभा राहण्याची ही वेळ आलेली आहे। ती वेळ आलेली आहे कंत्राट महानगरपालिका कंत्राटदार आणि MMRDC चे कंत्राटदार ह्यांनी आम्हाला गेल्या 5 दिवसापासून अर्धा तासात येतो, 1 तासात येतो। त्याचं नाव आहे अशोक पुरोहित आणि BMCचा सिव्हिल इंजिनियरचं नाव आहे अक्षय गुंड। हे दोघेही हरामखोर आहेत आणि हे लोक आम्हाला 5 दिवसांनी येतो, 5 मिनिटात येतो, 10 मिनिटात येतो। आज एक हप्ता पुरेपूर झाला, पण कुरार विलेजच्या नागरिकांच्या सुविधेसाठी हा रोडवर अजूनपर्यंत आमच्या भेटीस किंवा कुरार पोलीस स्टेशनमधून पण फोन आले, पण तो आला नाही। माझं असं कुरार रहिवाशांना म्हणणं आहे की ह्यांना इथे आल्यानंतर खाली डोकं वर पाय हे करणं गरजेचं आहे। तसेच गेल्या 5 वर्षापासून महानगरपालिका ह्या रस्त्यावर दुर्लक्ष करते। नगरसेवक आमदार खासदार यांचंही जनतेकडे अजिबात